दसवीं के बाद हम सभी अपनी स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट और हमारा मार्क्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब हम दसवीं के बाद आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स का चुनाव करते हैं, दोस्तों दसवीं के बाद कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर अपने कैरियर को लेकर के एक बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी आ जाती है और हम इस बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम लें जिससे हमारा आने वाला कैरियर शानदार हो सके और हम अपने कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दसवीं पास ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो डिप्लोमा कोर्सेस कर करके अपने जॉब सिक्योरिटी बना सकते हैं और इंडस्ट्री के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। इसमें आपको फायदा यह होता है कि आपको 12th क्लास किए बिना ही कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाता है, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा कोर्सेस ये बात की फैसिलिटी देते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में स्किल लेते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, उस क्षेत्र के आप एक्सपर्ट हो जाएं ताकि आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाए। दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज का बेनिफिट एक साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से पूरी नॉलेज और स्किल ले लेते हैं तो आपकी जो इंडस्ट्री में डिमांड होती है, करंट सिचुएशन में इंडस्ट्री में आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। साथ ही साथ डिप्लोमा कोर्सेज का फायदा ये है कि वो शॉर्ट टर्म और प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होते हैं जिसमें आपको कम समय में आप इंटर्नशिप करके, जॉब सर्च करके और एक कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जो कि आप दसवीं के बाद करके अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिप्लोमा है वह है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या इसको कहें डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल और स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है इस ट्रेनिंग में। मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम में आपको इंजीनियरिंग में आप देखते हो बहुत सारे ट्रेड होते हैं जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल जैसे कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करें तो इनकी ड्यूरेशन कम से कम मिनिमम 3 इयर्स इनकी ड्यूरेशन है। कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम होते हैं। बात करें यूपी की तो JEE, CUP, JEE कप का एग्जाम होता है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम होते हैं, इनके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। या आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेकर के इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होती है वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है, लेकिन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में कैरियर के बाद बात करें तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती ही है, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, आप सिविल सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में आपके पास बहुत सारी जॉब हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो डिप्लोमा करने के बाद हायर स्टडीज को भी आप चुन सकते हैं या फिर अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन छात्रों की जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो कि आर्ट्स के फील्ड में आना चाहते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर पे जो है वो है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। अब फाइन आर्ट्स में मैं आपको बता दूं, फाइन आर्ट्स में जो डिप्लोमा है उसमें आपको आर्ट्स और उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट लेने का कोर्स मिलता है। इसमें आपको 10th पास होना जरूरी है। 10th पास अगर आपके अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में हैं तो आपके एडमिशन डायरेक्ट 10th के मार्क्स पे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग के साथ साथ आप इस कोर्स को करें तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 वर्ष की इसकी ड्यूरेशन है, 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन है। इसमें आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस भी मिलते हैं जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट टीचर, फ्लैश एनिमेटर, आर्ट लाइंस ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आपको इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद मिलते हैं। अगली बात करते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों जिनको टाइपिंग करना और बहुत ज़्यादा आप देखते हो किसी भी गवर्नमेंट कार्यालय में आप जाते हो, सरकारी कार्यालय में आप जाते हो, आप देखते हो बहुत सारे लोग टाइपिंग के साथ बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे वो टाइप करते हैं, टाइपराइटर से वो टाइप करते हैं, तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो इस डिप्लोमा का नाम है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। इसको भी आप 10th पास करने के बाद कर सकते हैं। जैसे कि आप कोर्ट में जाते हो, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप देखते हो कि स्टेनो की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। इस कोर्स को करने के साथ साथ आपको कंप्यूटर और जितने भी टाइपिंग कोर्सेज इसके साथ हैं, कंप्यूटर में जितने भी टाइपिंग के कार्य हैं इस स्टेनोग्राफी में आपको सिखाया जाता है। इसकी भी ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर ही है। जहां तक करियर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके पास प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास वैकेंसी निकलती है। स्टेनोग्राफर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 पर मंथ आपको मिल जाती है, तो एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो जाता है ये। अब हम बात करते हैं अगले डिप्लोमा की जो है डिप्लोमा इन आर्ट टीचर।
दोस्तों जैसा कि आप नाम देख रहे हो यहाँ पर टीचर ही है, तो इसका काम ही है कि आपको एक टीचर बनाना और आपको एक पढ़ाने की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से देना। आर्ट टीचिंग में डिप्लोमा की बात करें जिनकी आयु 17 साल से अधिक होनी चाहिए, साथ ही साथ ये उन छात्रों के लिए है जो आर्ट टीचिंग को प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपना कैरियर इसमें बनाऊं। तो डिप्लोमा इन आर्ट टीचिंग आपको सबसे ज्यादा स्केचिंग और पेंटिंग में 6 महीने का ये प्रोग्राम है, ड्यूरेशन इसकी 6 मंथ्स होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप आर्ट टीचिंग में डिप्लोमा होल्डर और किसी भी जगह पर आप एज आर्ट टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि फैशन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट फैशन इंडस्ट्री में है, तो वो है फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। दोस्तों इसकी बात करें तो ये एक फास्ट ट्रैक डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स का मुख्य जो एम है वो ये है कि आपको फैशन डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी और इनोवेशन खोजने के लिए आपको मोटिवेट करना। आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, हर कॉलेज का क्राइटेरिया इसमें अलग होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप फैशन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर और स्टाइलिस्ट के तौर पर अपना कैरियर बना सकते हैं, आपके पास ये कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो ये डिप्लोमा उन लोगों के लिए है जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट कुछ अलग चीजों में है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। आप कौन सा डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहेंगे, किसमें आपको डिटेल वीडियो चाहिए, हमें कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे है।